प्रिय विद्यार्थियों, आज हम बीए भाग तृतीय का प्रथम प्रश्न पत्र प्रतिनिधि पाश्चात्य राजनीतिक विचारक में अरस्तु के न्याय सिद्धांत के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले हमने प्लेटो का न्याय सिद्धांत पढ़ा था। प्लेटो का जो न्याय सिद्धांत पढ़ा उसमें बिल्कुल अलग थ्योरी थी प्लेटो की, क्योंकि उन्होंने आत्मा के अंतर्गत जितने तत्व हैं वो महत्वपूर्ण तीन तत्वों की चर्चा की थी प्लेटो ने, और उन्हीं के आधार पर ये कहा कि अपने अपने कर्तव्य का पालन करना और दूसरे के कार्य में हस्तक्षेप न करना न्याय है। प्लेटो का न्याय सिद्धांत नैतिकता पर आधारित था। आज हम ये देखेंगे कि अरस्तु प्लेटो के शिष्य होते हुए भी उन्होंने अपने विचार किस तरह से व्यक्त किए हैं न्याय के बारे में। अपने गुरु प्लेटो की भांति अरस्तु विश्वास तो करता था कि न्याय राज्य का सर्वाधिक महत्वपूर्ण आधार है और कोई राज्य बहुत समय तक नहीं चल सकता है जब तक कि वह न्याय की उपयुक्त प्रणाली पर आधारित ना हो। इस तथ्य को मानने के कारण अरस्तु अपने न्याय के सिद्धांत को प्रस्तुत करने का प्रयत्न करता है। उसका मत था कि न्याय राज्य के लिए एक उद्देश्य प्रस्तुत करता है और मनुष्य के लिए एक लक्ष्य। इसमें निपुण होने पर मनुष्य सर्वोत्तम पशु बन जाता है, किंतु जब कानून और न्याय से अलग हो जाता है तब वह उनसे या सबसे खराब बन जाता है। अर्थात उनका मानना था कि न्याय और कानून से अलग होने पर मनुष्य निकृष्टतम व्यक्ति बन जाता है। प्लेटो के समान ही अरस्तु ने भी न्याय को राज्य शासन तंत्र का आधार माना और उसके अनुसार न्याय एक सद्गुण, एक संपूर्ण सद्गुण और सभी अच्छाइयों का मूर्त रूप है। यह मात्र सद्गुण के समान नहीं है, किंतु यह सद्गुण है और यह कार्य रूप में सद्गुण है। अर्थात प्लेटो ने न्याय को सद्गुण माना है। न्याय सद्गुण है, किंतु यह सद्गुण से कुछ अधिक भी है। यह कार्य रूप में सद्गुण है, अर्थात व्यवहार में सद्गुण है। उदाहरण के लिए तर्क बुद्धि एक सद्गुण है, किंतु तर्क संगत आचरण न्याय है। सच्चाई एक सद्गुण है, किंतु सच्चा होना न्याय है। जो सद्गुण को न्याय बनाता है वह है सद्गुण को व्यवहार में लाना। तो अरस्तु ये बताना चाह रहे हैं कि जो एक अच्छाई है उसको व्यवहार में लाना ही, आचरण में लाना ही न्याय कहलाएगा। यानी न्याय सद्गुण है और सद्गुण के द्वारा ही व्यक्ति का विकास किया जाता है और समाज में एक अच्छी व्यवस्था स्थापित की जा सकती है। अतः अरस्तु कहता है कि राजनीति के क्षेत्र में अच्छाई न्याय है और न्याय वह है जो सभी के हित को समाहित करता है। अर्थात अरस्तु ने यह माना कि राजनीति के क्षेत्र में न्याय वही कहलाएगा जिसमें सभी के हितों की पूर्ति होती हो, सभी जनता के, सभी नागरिकों के कल्याण की बात जिस राजनीति में की जाती है वो राजनीति न्यायपूर्ण होती है। जैसे कि रॉस ने कहा है कि अरस्तु न्याय शब्द के दो अर्थ पहचान कर शुरुआत करता है। न्याय से हम यह अर्थ लगा सकते हैं कि न्याय वह है जो विधि सम्मत है या जो निष्पक्ष और समान है। न्याय उन्होंने किसी कहा जो विधि सम्मत है, यानी विधि के अधीन, विधि के अनुसार जब निर्णय किया जाता है वो न्याय है, और निष्पक्ष होता है क्योंकि कहा भी जाता है कि सभी कानून के समक्ष समान होंगे और सभी को कानून की समान संरक्षक प्राप्त होगा, समान संरक्षकता मिलेगी। अरस्तु के लिए न्याय या तो सामान्य है या यह सामान्य न्याय के भाग के रूप में विशेष न्याय है। एक संपूर्ण सद्गुण का एक भाग, यदि सामान्य न्याय से हमारा तात्पर्य संपूर्ण सद्गुण हो तो अरस्तु के अनुसार सामान्य न्याय संपूर्ण अच्छाई है। यह अपने अधिकतम अर्थ में संपूर्ण है,
क्योंकि यह संपूर्ण अच्छाई का न केवल अपने प्रति वरन अपने पड़ोसी के प्रति भी व्यवहार में प्रयोग है। तो अरस्तु ने सामान्य न्याय और विशेष न्याय दो तरह के न्याय के बारे में चर्चा की। सामान्य न्याय किसे कहते हैं? सामान्य न्याय का अर्थ अरस्तु ने बताया कि यह एक संपूर्ण अच्छाई है जिसमें स्वयं के हित के साथ साथ पड़ोसी का हित यानी दूसरे के प्रति भी व्यवहार करना जो आप अपने प्रति चाहते हो वो सामान्य न्याय है, यानी सभी का कल्याण जिसमें निहित होता है। विशेष न्याय दूसरा उन्होंने बताया। विशेष न्याय संपूर्ण या सामान्य न्याय का एक भाग है, इसलिए यह संपूर्ण अच्छाई का केवल एक भाग है, उसका एक पहलू है। विशेष न्याय प्राप्त करने का प्रयत्न करने वाला व्यक्ति वह होता है जो नियमों का तो पालन करता है किंतु समाज में जितना उसे मिलना चाहिए उससे अधिक की मांग नहीं करता है। यानी विशेष न्याय वो न्याय है जो कानूनों के का पालन करते हुए संतुष्ट रहता है और समाज में उसे ज्यादा कितना मिलना चाहिए उसकी वो डिमांड भी नहीं करता। विशेष न्याय को अरस्तु ने दो प्रकार के बताए हैं। तो विशेष न्याय दो प्रकार का होता है, एक तो वितरणात्मक और दूसरा सुधारात्मक। अरस्तु के लिए वितरणात्मक न्याय प्राप्तकर्ता के गुणों के अनुसार उन्हें पदक सम्मान आदि देना है, अर्थात समान लोगों के प्रति समान व्यवहार तथा असमान लोगों के प्रति असमान व्यवहार करना। इसमें अरस्तु ये बताना चाहते हैं वितरणात्मक न्याय के अंतर्गत कि जो व्यक्ति जितना योग्य है उसकी योग्यता के अनुसार ही उसे पदक सम्मान प्राप्त होना चाहिए। दूसरा सुधारात्मक न्याय। सुधारात्मक न्याय से संबंधित व्यक्तियों के पद स्थिति को ध्यान में नहीं रखा जाता। यह साधारण रूप में दो लोगों में समानता लाने का प्रयत्न करता है। यह एक व्यक्ति से उसके द्वारा प्राप्त लाभ को उससे लेकर दूसरे को जो अलाभकारी स्थिति में है देने का प्रयत्न करता है, अर्थात वह उसे न्याय दिलाने का प्रयास करता है जो उससे वंचित रह गया है और उसे दंड देता है जिसने दूसरों को न्याय से वंचित रखा है। तो सुधारात्मक न्याय ये कहता है कि इसमें यदि कुछ लोगों को न्याय प्राप्त नहीं है तो उन्हें न्याय दिलवाया जाए और एक व्यक्ति को यदि आवश्यकता से ज़्यादा लाभ प्राप्त है तो उसी को लेकर जो दूसरा अलाभकारी स्थिति में है उसको वो न्याय प्रदान करने का प्रयास करता है, न्याय दिलाने का प्रयास करता है जो कि उसे वंचित रह गया था। तो अब हम प्लेटो के न्याय की चर्चा हमने कर ली थी और अरस्तु ने भी न्याय के बारे में अपने विचार दिए हैं, उसका अध्ययन भी हमने किया। तो अब हम ये अध्ययन करेंगे कि प्लेटो और अरस्तु द्वारा दी गई न्याय की अवधारणाओं की किस प्रकार से तुलना की जा सकती है और उसकी तुलना के पीछे कई तर्क दिए जाते हैं, किस तरह के उनमें समानताएं हैं असमानताएं हैं इसके बारे में मैं बताऊंगी। प्लेटो के लिए न्याय किसी व्यक्ति द्वारा अपनी योग्यता और क्षमता के अनुसार अपने दायित्वों का सर्वोत्तम निर्वाह है, जबकि अरस्तु के लिए न्याय व्यक्ति के अनुसार उसे प्रतिदान देना है। प्लेटो ने तो मैंने बताया भी था आप लोगों को कि किस तरह से व्यक्ति की आत्मा के गुणों के आधार पर उसे दायित्व सौंपा जाएगा, यानी वो कौन से वर्ग में जाएगा और उसी के अनुसार वो अपने कर्तव्य का पालन भी करेगा। लेकिन अरस्तु है, अरस्तु ने न्याय को ये कहा कि ये योग्यता के अनुसार उसे प्रतिदान दिया जाए। प्लेटो का न्याय सिद्धांत कर्तव्यों से जुड़ा है जबकि अरस्तु का न्याय अधिकार से संबंधित है। और तीसरा यदि हम देखें तुलनात्मक दृष्टि से तो प्लेटो का न्याय सिद्धांत
आवश्यक रूप में नैतिक और दार्शनिक है, जबकि अरस्तु का विधिक है, क्योंकि अरस्तु ने यह कहा था कि विधि के समक्ष सभी समान समझे जाएं और सभी को समानता प्रदान हो विधि की। तो कानून के अंतर्गत रहते हुए न्याय प्रदान करने की बात अरस्तु ने कही, जबकि प्लेटो ने पूर्णतः नैतिकता की बात कही और यह कहा कि व्यक्ति के आत्मा के गुणों के अनुसार व्यक्ति अपने कर्तव्यों का पालन करेगा और उसी वर्ग में वो जाते हुए दूसरे के अधिकार क्षेत्र में हस्तक्षेप नहीं करेगा। यानी अधिकारों की बात प्लेटो कहीं नहीं करते हैं, जबकि अरस्तु ने अधिकारों की बात भी की है और कानून की बात भी की है कि कानून सम्मत होना चाहिए, विधि सम्मत होना चाहिए न्याय। दोनों में वितरणात्मक न्याय की अवधारणा है। प्लेटो के लिए इसका अर्थ व्यक्तिगत उत्कृष्टता और अपने दायित्वों का निर्वाह करना है, जबकि अरस्तु के लिए इसका अर्थ है व्यक्ति जिसका अधिकारी है उसे प्राप्त करने का अधिकार। तो इसका तात्पर्य है कि प्लेटो ने ये कहा कि जिसमें जो गुण है वो कार्य विशिष्टीकरण का सिद्धांत भी बताया था प्लेटो ने, जैसा कि हमने प्लेटो के न्याय सिद्धांत की चर्चा की थी उस समय मैंने बताया था आप लोगों को कि किस तरह से व्यक्ति में उत्कृष्टता होनी चाहिए और अपने किसी विशेष गुण के आधार पर अपने दायित्व का वो निर्वाह भी करता है। अरस्तु ने यह कहा कि उस व्यक्ति को वो लाभ यदि समाज में नहीं दिया जा रहा है जिसके वो योग्य है, जिसका वो अधिकारी भी है, तो उसे वो लाभ दिया जाना जरूरी है। प्लेटो का न्याय आध्यात्मिक है, जबकि अरस्तु का हम व्यवहारिक कह सकते हैं, क्योंकि व्यवहार में कानून सम्मत न्याय की चर्चा अरस्तु करते हैं और प्लेटो ने अंतरात्मा की वस्तु बताया है न्याय को। इसी को हम आगे बढ़ाते हुए ये कह सकते हैं कि प्लेटो का न्याय व्यक्ति की अंतः प्रेरणा से संबंधित है, अर्थात ये उससे प्रेरित होता है जो सीधे आत्मा से आता है। ये बात मैंने पहले भी बताई है कि प्लेटो ने आत्मा के गुणों के आधार पर ही न्याय व्यवस्था दी है, किंतु अरस्तु का न्याय मनुष्य के कर्मों से संबंधित है, अर्थात उसके बाहरी कार्यकलापों से संबंधित है। तो इस तरह से प्लेटो और अरस्तु दोनों ने न्याय की बातें कही। अरस्तु प्लेटो का शिष्य होते हुए भी न्याय के बारे में उनके भिन्न विचार हमें देखने को मिलते हैं और अरस्तु का न्याय का सिद्धांत सांसारिक है, मनुष्य के व्यावहारिक जीवन में उसके आचरण से संबंधित है, किंतु निश्चय ही इस आचरण में सभी नैतिक मान्यताएं उसका मार्गदर्शन भी करती हैं, लेकिन वह न्याय के नैतिक स्वरूप को उसके विधायी स्वरूप से जोड़ने में वैसे काफ़ी हद तक तो समर्थ रहा, लेकिन उसे हम पूर्णतः समर्थ नहीं कह सकते, उसे असमर्थ कहा जा सकता है। और प्लेटो ने पूर्णतः नैतिकता पर आधारित न्याय प्रदान किया, जबकि अरस्तु ने नैतिकता से अलग समाज में विधिक सम्मत न्याय का समर्थन किया। धन्यवाद।